हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव। आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, है ना, जैसे द क्लेवर फॉक्स एंड स्टूपिड क्रो, द ग्रीडी किंग, द नॉटी बॉय, द प्राउड स्टैग, द अगली डगलिंग, द थ्री लिटिल पिग्स, फोर फ्रेंड्स, द थर्स्टी क्रो एक्सेट्रा। डिड यू एवर नोटिस कि इन सभी स्टोरीज के टाइटल में कोई ना कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड आया है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे द क्लेवर फॉक्स एंड स्टूपिड क्रो में नाउन है फॉक्स और उसे डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव क्लेवर। ऐसे ही सेकेंड नाउन है क्रो, जिसे डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव स्टूपिड। द ग्रीडी किंग की अगर बात की जाए तो किंग हुआ हमारा नाउन और उसे डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव ग्रीडी। फोर फ्रेंड्स स्टोरी को अगर हम देखते हैं तो नाउन यहाँ है फ्रेंड्स, तो यह एडजेक्टिव क्या हुआ? यस, फोर इज एडजेक्टिव, दैट इज टेलिंग द नंबर ऑफ द फ्रेंड्स। अब चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। क्लास से याद आया, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? इट कैन बी 40, 49, 43, 50 और एनी अदर नंबर। आपकी क्लास में सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है? सपोज इट इज रिया। हु इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास? इट मे बी सविता। हु इज द शॉर्टेस्ट बॉय ऑफ योर क्लास? नमन। अपनी क्लास से फोर स्टूडेंट्स की नेम बताइए। लेट्स सी, राहुल, अजय, अमृता एंड दिया। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको नहीं लगता कि ये सेंटेंसेस नाउन भी हैं और जो क्वेश्चंस हमने पूछा वो उनको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं? जैसे क्लास में टोटल स्टूडेंट्स अगर 49 हैं, तो ये उस क्लास को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। ऐसे ही रिया का एडजेक्टिव है ब्रिलियंट। टॉलेस्ट किसका एडजेक्टिव हुआ? सविता का। अब नमन का एडजेक्टिव क्या होगा? इट विल बी शॉर्टेस्ट। होपफुली अब आप प्रॉपरली एडजेक्टिव समझ चुके। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उनके बारे में कुछ बताते हैं, तो उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू बी क्लियर। नंबर वन, राम इज द नॉटीएस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। Here the noun is Ram and the word that describes him is naughtiest. Riya has a blue umbrella. Riya is a noun and the word blue is describing the noun, but take care one thing. Here blue is not describing Riya, balki ye to umbrella ko describe kar raha hai. So yahan hamara noun hoga umbrella and adjective will be blue. Next, he has enough money to start a business. यहाँ पर मनी इज नाउन, सो इफ यू मेक अ क्वेश्चन कि उसके पास कितना मनी है, द आंसर यू विल गेट एनफ, सो एनफ इज एडजेक्टिव। देयर आर थ्री बॉयज स्टैंडिंग ऑन द स्टेयर। स्टेयर पर कितने बॉयज हैं? थ्री, सो थ्री इज द एडजेक्टिव बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट द बॉयज, सो बॉयज इज नाउन एंड एडजेक्टिव इज थ्री। दिस चेयर इज ब्रोकन। चेयर इज अ नाउन जिसे स्पेसिफाई कर रहा है दिस। तो किड्स, नाउ लेट्स गो टू सॉल्व सम एक्सरसाइजेस, जिससे हम ये समझेंगे कि हमने एडजेक्टिव को कितना समझा। द क्वेश्चन इज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो। द सेंटेंसेस आर, नंबर वन, द गर्ल मेट अ टॉल बॉय। हियर यू आर टू अंडरलाइन द एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में बॉय कैसा है? टॉल, सो ये हुई उसकी क्वालिटी। द फेयर लेडी फॉलोड द गार्ड। How is the lady? She is fair. This is the quality of the lady, so it is adjective. These boys are naughty. कौन से boys naughty हैं? These boys. So these is also adjective. Next is, your handwriting is very poor. Handwriting कैसी है? Poor. Poor is the quality of the handwriting. That's why poor is adjective. My bicycle is expensive. Expensive क्या है? Bicycle. So bicycle is the noun and the word that is telling something about bicycle is expensive.
तो ये हुआ एडजेक्टिव. द लास्ट वन इज माय क्लोथ्स वर डर्टी सो आई वॉश्ड देम. क्लोथ्स कैसे थे? डर्टी. तो क्या डर्टी क्लोथ्स को डिस्क्राइब कर रहा है? यस. तो ये भी हुआ हमारा एडजेक्टिव. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि अगर आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्सरसाइज मिलती है तो आप खुद से ही उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए अब हम आपको देते हैं कुछ एक्सरसाइजेस. द क्वेश्चन इज राइट टू एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब ईच नाउन. द वर्ड्स आर गर्ल, एनिमल, वेदर, फिल्म, हेयर, टीचर एंड रूम. आपको दो दो एडजेक्टिव्स लिखने हैं जो इन नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे कि अगर नाउन हम लेते हैं बॉक्स, तो हम लिख सकते हैं एम्प्टी बॉक्स, बिग बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, ब्लू बॉक्स, टू बॉक्सेस. द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट योर मदर और फादर कंटेनिंग वन एडजेक्टिव ईच. आपको अपने मदर या फादर के बारे में फाइव सेंटेंसेस लिखने, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड जरूर आया. नाउ इट्स टाइम टू कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. कम अगेन द नेक्स्ट डे टू गेट सम नॉलेज. बाय.